वेलकम बैक टू माय चैनल यस एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेज आईडी कार्ड कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और उसको डाउनलोड करना है, किस तरह से सारा प्रोसेस है, उसको प्रिंट करना है, कोड करना है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं, फर्दर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन सवाल हमारे पास जो आ रहा है इस वक्त वो ये आ रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ से मिलेगा। 11th क्लास की बात कर रही हूँ क्योंकि उनका अभी न्यूली एडमिशन हुआ है और उनके पास अभी स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं है। तो आईडी कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आईडी कार्ड एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉलेज के अंदर जो है वो एक आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट आप कॉलेज के अंदर आ रहे हो, क्योंकि हर कॉलेज की प्रेमिसेस का एक डेकोरम होता है। आपने जो है उसके अंदर एज अ स्टूडेंट आप जा रहे हो तो आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको आगे जाके एग्जामिनेशन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी रिक्वायर हो सकता है। उसको भी हम डिटेल से देखेंगे किस तरह से आपसे ये रिक्वायर किया जाएगा। तो पहली बात कि आपने आईडी कार्ड को मिस नहीं करना, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा स्कैप की वेबसाइट से। स्कैप की वेबसाइट, जी हाँ, वही स्कैप फॉर्म की जो आपने वेबसाइट खोली थी, आपके पास स्कैप फॉर्म आ रहे थे, वहां से आपने उसको फिलअप किया था, वहीं से आपने रिजल्ट भी देखे थे। तो अब वहां पे एक और बटन एड कर दिया गया है आईडी कार्ड का। अब हमने इसको देखना है और देखना है कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे और आगे फर्दर प्रोसेस क्या करना है। तो लेट्स ओपन द स्कैप वेबसाइट। तो इस तरह से आपने सबसे पहले गूगल सर्च पे लिखना है आईडी कार्ड स्कैप, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट गवर्नमेंट का ही जो वेबसाइट है स्कैप की ओरिजिनल वेबसाइट, आपके पास ये जो फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे देन आपके पास ये इस तरह से पोर्टल आ रहा है स्कैप का। ये आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट जो है बटन आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गेट डिजिटल कॉलेज आईडी कार्ड, देन आपके पास अप्लाई ऑनलाइन, जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स, अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। उसके अलावा कट ऑफ मार्क्स, तो मैंने आपको डिटेल्स बताया था कि कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स होते हैं, तो उसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियोज में शेयर की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बटन है हमारे पास चेक स्कैप रिजल्ट्स, तो जिन बच्चों ने रिजल्ट चेक नहीं किया वो अब भी चेक कर सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है ये बटन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलेज क्लेम फॉर्म, जो बच्चे क्लेम फॉर्म का वेट कर रहे थे तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे देख सकते हैं। सो हम नंबर वन वाले पे ही क्लिक करते हैं क्योंकि हमें आईडी कार्ड चाहिए। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास ये पोर्टल आ जाएगा। देन हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने, अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपने येस करना है, अदरवाइज को नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देनी है हमने इन्फॉर्मेशन जो हमने फॉर्म के अंदर भरी थी, वे फॉर्म या CNIC नंबर जो हमने दिया था। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर एंटर करेंगे, देन हमारे पास इस तरह से ये आईडी कार्ड जो है वो खुल जाएगा स्कैप का, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लोगो भी है। बाकी ये हमारे पास कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, QR कोड भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आई गेस कि ये फॉर द, अगर आपके कॉलेज में वैलिड होगा लाइक मशीन वगैरह होगी तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस जो है वो फिजिकल ही लग रही होगी। तो इस तरह से ये आपके पास आईडी कार्ड है, इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में क्या करना है इसके साथ, और इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास डाउनलोड का बटन आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये डिफरेंट आईडी कार्ड जो है वो खुल जाएंगे। उसे पूछा था कि स्टूडेंट ग्रुप, अगर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप की नीड रिक्वायर है डू लेट मी नो ताकि हम उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। आप लोग की आसानी के लिए वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी बना दी गई है, जिसके अंदर काफी सारी जो है वो बुक्स वगैरह के लिंक्स, PDF, सारी चीजें जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं आपके लिए आसानी कर रहे हैं। मॉडल पेपर, गैस पेपर उस पर ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं, काफी ज्यादा हो भी चुके हैं। बुक्स के लिंक्स भी उसी के ऊपर हमने डाल दिए हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वेबसाइट का। और अगर आप लोग को एज अ स्टूडेंट एक ग्रुप चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसपे आपको PDF वगैरह इजिली अवेलेबल हो जाए, तो वो भी हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप हमें उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब आईडी कार्ड जो है वो कितने दिनों में सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो 2 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को सबको ही आईडी कार्ड मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो गया है, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। जिनका एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ तो उनको आईडी कार्ड अभी उनका वेट करना पड़ेगा, और जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है लेकिन आईडी कार्ड अभी तक अपलोड नहीं हुआ तो आप रोजाना चेक करते रहे, लेकिन 2 वीक्स के अंदर अंदर आप सबके ही हो जाएंगे जिनके एडमिशन कन्फर्म हो गए हैं, ठीक है। और रिजल्ट्स की भी मैंने मेन वीडियो बना दी है कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, तो वो भी आप डिटेल से देख सकते हैं। उसके अलावा डेली कॉलेज जाना है या नहीं, तो आप ये बात जहन में रखें कि आपने कॉलेज डेली जाना है, ठीक है। कॉलेज की कोई छुट्टी नहीं होती,
अनलेस के कोई ऑफिशियल्स की तरफ से ऑफ ना आ जाए, ऑफ डे होगा तो डेफिनेटली छुट्टी होगी, लेकिन आपने मोस्टली कॉलेज डेली ही जाना होता है, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हफ्ते में एक दिन भी चले जाओ तो बहुत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो काफी ज्यादा सख्ती भी हो गई है, अटेंडेंस वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन देने के लिए, तो आपने कॉलेज डेली जाना है। उसके अलावा प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ कि प्रैक्टिकल्स आपने मिस नहीं करना, स्पेशली साइंस ग्रुप के स्टूडेंट, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स, उन्होंने प्रैक्टिकल्स को मिस नहीं करना, ठीक है। आप लोग अपने डेज जो है वो टीचर्स से कंफर्म कर सकते हैं, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो आपको बता भी देंगे विद इन अ वीक कि आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल कब है, कंप्यूटर का कब है। काफी सारे ग्रुप्स जो है वो ऑलरेडी बना देते हैं क्लास के अंदर, और उसी हिसाब से ग्रुप वन, ग्रुप ए इस तरह से जो है वो बांट देते हैं, तो उनकी जो है वो डेज होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को फिजिक्स का होता होगा, किसी का जो है वो ट्यूजडे को कंप्यूटर का होता होगा, तो इस तरह से डेज जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो आपने अपने डेज को कंफर्म करना है टीचर से, जैसे ही आपको स्टार्ट में ही बता दिया जाएगा, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी विद इन अ वीक आपकी ग्रुपिंग कर दी जाएगी, और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल डेज जो है वो ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपने अपने प्रैक्टिकल डेज के अंदर तो लाजमी जाना है, अगर आप नहीं जाओगे तो अपना नुकसान करोगे। एक फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ कि जिन्होंने प्रैक्टिकल मिस कर दिया, समझे आपके एग्जाम्स के अंदर मार्क्स कटे ही कटे, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना आएगा, सेकेंडली आपके जो जर्नल्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के, तो वो भी आपके जो है ना उसके अंदर भी मार्क डिटेक्ट होते हैं, और उसपे भी अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता एग्जामिनर को, ठीक है। तो आपने उनको मिस नहीं करना, और मैंने काफी दफा देखा है कि बच्चे जो है वो कॉलेज के प्रैक्टिकल्स कम हाउ मिस कर जाते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं और कुछ से मिस हो जाते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा अच्छी खासी फीस देते हुए देखा है बहुत सारे बच्चों को कि वो एक्स्ट्रा फीस पे करके फिर किसी भी कॉलेज या कोचिंग से प्रैक्टिकल्स ले रहे होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता रही हूँ कि आपने जो कॉलेज के फ्री प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं आपने उनको मिस नहीं करना, वरना एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो है वो फिर एक अच्छी खासी फीस जो है पे करनी पड़ती है कोचिंग्स के अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको प्रैक्टिकल सिखा दें और करवा दें, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाह रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन आप अगर जानबूझ के कॉलेज के प्रैक्टिकल मिस कर रहे हो और कोचिंग से ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो ये बेवकूफी है, क्योंकि अच्छी खासी रकम जो है वो फिर लेते हैं प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए, एक्स्ट्रा फीस आपकी जाती है। तो कॉलेज वाले करवाते हैं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट जो है वो 90% तो प्रैक्टिकल्स वो कॉलेज वाले करवाते हैं, अच्छे कॉलेज सारे ही प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, तो आपने उनको मिस नहीं करना। आपने प्रिंट कर लिया, उसके बाद प्रिंट करने के बाद आपके पास एक जो है वो एक पेपर की फॉर्म में आपके पास ये आईडी कार्ड है इस वक्त, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आईडी कार्ड प्रिंट एंड, आपने इसको प्लास्टिक कोट जरूर करना है। स्कूल लाइफ में आपने देखा होगा कि आपका जो आईडी कार्ड होता था वो मोस्टली प्लास्टिक कोट हुआ हुआ आता था, कुछ स्कूल जो है वो करवाते थे और कुछ स्कूल जो है वो ऑलरेडी करके देते थे, लेकिन आपने अपने आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड को प्लास्टिक कोट लाजमी करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि स्टार्ट में वो प्लास्टिक कोट नहीं करते, और जब उनको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एग्जामिनेशन के लिए अगर पिक्चर वगैरह चाहिए होती है, आपके आईडी कार्ड की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है, तो प्लीज उसको स्टार्ट में ही प्लास्टिक कोट कर लें ताकि आपके लिए ही आसानी हो जाए। आईडी कार्ड रिक्वायर होता है एग्जामिनेशन के लिए, तो ये अभी तक जो है वो ऑफिशियल्स की तरफ से आ रहा है कि जिस भी कॉलेज का स्टूडेंट होगा वो उसके फॉर्म के साथ, एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ एक पिक्चर जो है वो आईडी कार्ड की, कॉलेज आईडी कार्ड की मांगी जाती है, ठीक है। अब ये तो जो है जैसे ही एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐड किया है या नहीं किया, लेकिन अब तक ये सुनने में आ रहा है कि आईडी कार्ड जो कॉलेज आईडी कार्ड है स्टूडेंट का वो भी उसकी भी फोटोकॉपी लगाई जाएगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो आपने उसको आईडी कार्ड को संभाल के रखना है, और एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए भी आप दिमाग बना लें कि आपको रिक्वायर हो सकता है। उसके अलावा ये स्टेप्स मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिए हैं, विजिट द स्कैफोम वेबसाइट, ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द आईडी टैब, वहाँ पे जैसे आपके पास स्कैफ फॉर्म का टैब आ रहा था, बटन आ रहा था, तो इसी तरह से आईडी कार्ड का भी बटन आ रहा होगा, तो आपने उसको क्लिक करना है। देन आपने क्या करना है, एंटर योर स्कैफ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन, ठीक है। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन स्कैफ फॉर्म में दी थी, ठीक है, आपकी आईडी मांगी जाएगी, यानी कि आईडी कार्ड का जो आपका वे फॉर्म का नंबर है वो मांगा जाएगा और रोल नंबर मांगा जाएगा, तो आपने वो डालेंगे जैसे ही, तो आपके पास जो है वो सर्च रिजल्ट्स में जाएंगे, तो आपके पास आपका आईडी कार्ड शो हो जाएगा अगर उस वक्त तक अपलोड हो गया होगा। जिन बच्चों का एडमिशन कन्फर्म हो गया है उनका आईडी कार्ड जो है वो अभी अपलोड नहीं हुआ तो कुछ दिन में हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली हो जाएगा, और जिन बच्चों का एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा, और जो भी अगर उनका फॉर्म वापस किया गया है तो वो आपने देखना है कि क्या क्या वजूहत हुई है, किस वजह से आपको फॉर्म वापस किया गया है, आपने उसको सही करके दोबारा से अप्लाई करना है, देन आपका आईडी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट होगा।
इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इफ योर रजिस्ट्रेशन इज वैलिड यू विल बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड। अगर आपका एडमिशन जो है वो वैलिड ही नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो आपका आईडी कार्ड नहीं अपलोड होगा, ठीक है। सो आई रियली होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।